अरे मलिका, अरे ये मलिका। हाँ। जल्दी उठ, जल्दी उठ। क्या हुआ है माँ? अरे तू यहाँ पड़ी सो रही है और वहाँ सुल्ताना ने सब घर वालों को अपने दाम में कर लिया। अरे अम्मा तुम भी ना हमेशा आधी आधी बातें करती हो, पूरी बात बताओ ना, क्या मसला है? अरे आज उमर की सालगिरह है और उसने सारे इंतजाम खुद कर लिए। सत्यानाश, मैं तो भूल गई, मैंने तो उमर के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया, कोई तोहफा ही नहीं लिया। अरे मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अरे हाथ पैर फुलाने से काम नहीं चलेगा, अकल के घोड़े दौड़ा। आ गया अम्मा आइडिया, आ गया। तुम फिक्र ना करो, सुल्ताना के हर जहर का तोड़ आता है मुझे। अरे मुझे भी तो बता क्या करना है। खारी तला ये हुई ना बाप, सुल्ताना चाहे जितने भी जतन कर ले उसकी दाल नहीं गलने वाली। शुक्र करो अम्मा तुम्हें इतनी जहीन बेटी मिली, वरना तुम्हारा क्या होता। हाँ ये तो है। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? मूड क्यों खराब है? किसी ने भी नहीं कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? चलो चल के लाउंज में बैठते हैं, बातें करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोर तो ना करो पार्टनर। प्लीज मेरा बोर नहीं है पार्टनर, अभी जाए। लेकिन मेरा तुम्हें टिकल करने का। अच्छा 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 चलो चले। ये क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई? चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो 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 चलो। छोड़ दो। पहले खुद तो खाओ। हाँ अब खिलाओ मुझे। कैसा लगे सरप्राइज, खुशी हुई? वो खुशी तो हुई लेकिन खुश होने का दिन है, बर्थडे है तुम्हारी, चलो दादा को भी खिलाओ। जी। और दादू की बारी, दादू को खिलाओ। खिलाओ सबको खिलाओ। आप नवान साहब, छोटी बीबी की अम्मी आपको बुला रही हैं। क्यों खैरियत, क्या हुआ? हाँ वो बस उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। है? मलिका बेटी की तबीयत खराब है? अबा जी आप ना जाएं, आप यहीं रुकें, मेहमानों को देखें, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ तर्जन, पहले आप। दादों की बारी। भाभी आपको तो बीपी भी लो है, उसके साथ साथ बुखार भी है तेज। चले मैं आपको भी मेडिसिन दे देता हूँ, आप वो खाइए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आराम आ जाए। ये मान बाहर बहुत शोर है, मेरा सर फट रहा है, इसको तो बंद करा दो। आप बेफिक्र रहिए, मैं नीचे जाकर उनको मना कर देता हूँ। आए आए मैं तो मर रही हूँ। ओह
बहुत दर्द है। आप बस रेस्ट कीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए रिद्धा, तुमने चीटिंग की है। मैंने कब चीटिंग की? हाँ, अरे तुमने उसको धक्का दिया है, वो बैठी थी पहले। अरे वो आउट हो चुकी है, मैं जीती हूँ भाई। रिद्धा झूठ नहीं बोलो, तुम सबने देखा था ना। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम चीटिंग कर रहे हो कि मैं नहीं कर रही। अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ। चलो बेटा शाबाश, अब बहुत हो गया खेल, आराम से बैठ जाओ और बातें करो। अरे क्यों नुमान, खेलने दो ना बच्चों को। हाँ बेटा खेलने दो, इतने दिनों बाद तो उमर खुश दिखाई दे रहा है मुझे। असल में अब्बा जी, मलका भाभी के सर में हो रहा है दर्द, और अगर बच्चे इसी तरह शोर मचाएंगे तो उनके सर का दर्द मजीद बढ़ जाएगा। और वैसे भी मलका भाभी पूरा दिन अपने कमरे में थी, उन्हें जाके किसी ने पूछा तक नहीं। इनफैक्ट उमर की सरप्राइज बर्थडे का भी किसी ने उन्हें नहीं बताया। अच्छा सुल्ताना, मलका बेटी को पूछा भी नहीं और बर्थडे का भी नहीं बताया? हाँ वो दरअसल सरप्राइज था ना, इसलिए वो सरप्राइज से सबने एक साथ प्लान करके देना था, लेकिन मलका भाभी इस सरप्राइज में शामिल नहीं थी। अच्छा ठीक है, नौमान बेटा तुम ठीक कह रहे हो। चलो बच्चों बस खेल खत्म करो, आराम से बैठ के बातें करो। मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ आप खाना लगवाइए। चर्सी दी करना। अब इतना मजा आ रहा था, अपने सारा मजा खराब कर दिया। उमर बेटा मलका भाभी की तबीयत खराब है, जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो वो कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, कैसे एक वक्त में उनका भी ख्याल रखें। चलो पार्टी ओवर, बैठ जाओ, चेयर सही कर दो। उमर इनके साथ उनकी चेयर सही करो, मैं खाने का इंतजाम करूंगा। आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, टेबल पे आ जाओ, सारे लोग अभी खाने लग रहे हैं। अरे ये हाँ। बैठे बैठे बुखार कैसे हो गया? वैसे ही अम्मा जैसे बचपन में स्कूल ना जाने के लिए होता था। ये देखो प्यार। देखा तुम्हारी बेटी कितनी जहीन है। वो तो है, ये कराया तो पानी फिरवा दिया ना, म्यूजिक बंद करा दिया सारा, उनका फंक्शन ठप करा दिया ना। हाथ चला गया भाई तू, उससे भी दो हाथ आगे निकल गई है। अरे मैं बेटी किसकी हूँ? तू भी ना। अरे बड़ा दर्द हो रहा है माँ। हाय अरे बेटा आप तो अच्छे बच्चे हो ना, और अच्छे बच्चे तो बात को समझते हैं। अब हम कौन सा रोज रोज पार्टी करते हैं, इतने दिनों बाद तो एक पार्टी कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, एकदम से सारा मजा खराब हो गया। बेटा हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम किसी दूसरे का ख्याल रखेंगे तो कल कोई हमारा ख्याल रखेगा। अच्छे कामों का सिला जरूर मिलता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो सबका ख्याल रखूंगा। अरे बड़े होके क्यों, अभी से ख्याल रखो ना, हमें हर उम्र में सबका ख्याल रखना चाहिए। चलो कल मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। सच अबू? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला? नहीं। वैसे कहाँ जाएंगे? तो तुम डिसाइड करो ना। पहले हम लोग वाटर पार्क जाते हैं, उसके बाद फिर कहीं डिनर करने चलते हैं। डन। अब रिद्धा भी जाएगी ना हमारे साथ? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला। थैंक यू अब्बू। यू वेलकम। अब मैं रिद्धा को बता के आता हूँ। जा। रात को सोने से पहले बाल अच्छी तरह कंघी करने से बाल बहुत सेहतमंद रहते हैं। वाकई? और क्या, अब तो मैं रोज ऐसा करूंगी। बेटा तुम तो अपने बाल सही से कंघी नहीं करती हो, इतने उलझे रहते हैं, इधर के बाल उधर, बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारी अम्मा का मिजाज।
अम्मी का मूड जो हर वक्त खराब रहता है। हाँ बेटा, अब जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती ना, घर वालों के लिए बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती। अब मुझे देख लो, कल मेरी इतनी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी मैं उठ खड़ी हुई, बस ये सोच के कि बच्चे की खुशी है और साल में एक बार आती है। क्या था, मैं उठी, सारे काम किए, इंतजाम किए, भागी दौड़ी और आखिर में क्या हुआ, तुम्हारी अम्मा ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त के हिसाब से जो भी मुझे लगा वो मैंने किया और बिल्कुल ठीक किया। तुम भी तो एक डॉक्टर हो ना चंदा, तुम मुझे बताओ माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए शोर शराबा ठीक है, नुकसानदेह नहीं है? मलका भाभी को ऐन उसी वक्त कुछ क्यों होता है जब घर में कुछ अच्छा होने वाला होता है? उन्होंने ये ड्रामा उमर की बर्थडे पार्टी के वक्त क्यों किया पता है? क्योंकि उन्होंने वो सारी अरेंजमेंट नहीं की थी। बस चंदा बस, तुम मलका भाभी की मुखालफत में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती जा रही। तुम्हें उनकी बीमारी, उनकी तबीयत का खराब होना ढोंग लग रहा है, ड्रामा लग रहा है। मुखालफत बिला वजह नहीं होती नुमान भाई, मैं मलका भाभी को आप सबसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे दुख पता है किस बात का है, उस बिन माँ के बच्चे की खुशी का ख्याल नहीं किया उन्होंने। कितने अरसे बाद उमर इतना खुश था, बच्चों के साथ खेल रहा था, क्या जरूरत थी ये ड्रामा करने की? एक तुम्हें उमर की खुशियों की परवाह है, दूसरा और कोई नहीं है। क्या मैं उमर को खुश नहीं देखना चाहता? क्या मैं उमर को हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नहीं देखना चाहता? बिल्कुल देखना चाहता, लेकिन मैं उसकी तरबियत से रिलेटेड भी काफी कंसर्न हूं, सेंसिटिव हूं। मैं नहीं चाहता कि उमर बेहिस हो जाए, मैं नहीं चाहता कि उसे दूसरों की खुशियों की परवाह ना हो, दूसरों के दुख का अंदाजा ना हो, खास करके अपनों का दुख। दादा तुम्हें पता है अबू हमें कल घुमाने लेके जा रहे हैं। रियली? अबू कह रहे थे कि आज की पार्टी में फन अधूरा रह गया, तो हम कल पूरा कर लेंगे। उमर, I'm sorry, मामा की वजह से तुम्हारी पार्टी खराब हो गई। It's okay, कोई बात नहीं, हम कल डबल मजा कर लेंगे। तुम लोग कितने अच्छे हो ना, मामा हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हैं और तुम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हो। हमारी बड़ी है दादा, और अब्बू ने कहा है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा तो ये है तुम्हारी बीमारी। वैसे मलका ड्रामा तो बहुत अच्छा कर लेती, लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है, कोई तुम्हारे ड्रामे से बेवकूफ नहीं बना, किसी ने तुम्हारे कमरे में झांका तक नहीं। और वो नुमान जो सारा वक्त आके मेरे पास बैठा रहा, उसके बारे में क्या कहना है? उसका दिल जीतने के लिए उसकी बेटी की सालगिरह मनाई थी ना, इतना एहतमाम किया था, इतना काम किया था, सब जाया हो गया इसलिए कि मेरी तबीयत का सुनते ही नुमान तो आके मेरे सरहाने बैठा रहा, मेरी तीमारदारी करता रहा। वो बेचारा तो डॉक्टर है, उसका तो फर्ज है, लेकिन अपने बच्चे की खुशी की तकरीब उसे खराब करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। वैसे मलका तुम मान क्यों नहीं लेती कि आज तुमने मुझसे शिकस्त ले ही ली? क्योंकि सब समझ गए थे कि तुम ड्रामा कर रही हो, ढोंग रचा रही हो अपनी बीमारी का। जाएं जाएं मेरे कमरे से जाएं, अपना कोई काम करें, ऐसे सुन लेंगी कुछ मुझसे। अरे शोर क्यों मचा रही हो, सर में और दर्द हो जाएगा, जा रही हूँ। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रिम्मा कुछ करो, मुझसे ये औरत बर्दाश्त नहीं होती है, लड़की ढूंढो नुमान के लिए। हाँ तू फिक्र ना कर, मैं रानी से कहती हूँ, उसकी नज़र में कोई अच्छी लड़की होगी तो वो हमें बता देगी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, रानी को कहोगी तो रानी अपनी जैसी लेकर आएगी ना, मुझे तो अपनी जैसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ मिलकर इस चुड़ैल से मेरी जान छुड़वा सके। अरे खून खोल रहा है मेरा, जरा तो मुंह नोच लूं उसका।
एक तो तेरी समझ में नहीं आती। नुमान भाई सुल्ताना खाला से इतने बदगुमान क्यों हैं? सुल्ताना खाला को क्या पड़ी है जो मलका भाभी पर चोरी का इल्जाम लगाएंगी? उन्होंने तो खुद सारी जिंदगी दूसरों के जुल्म सहे हैं। जिसने ज्यादती और दर्द बर्दाश्त किया हो उसे उसकी तकलीफ का एहसास होता है। वो किसी दूसरे को उस तकलीफ से कैसे दो चार कर सकता है? नुमान भाई कुछ भी कहें, मुझे सुल्ताना खाला पर पूरा यकीन है। उन्हें कोई गलत फहमी तो हो सकती है मगर वो खुद गलत नहीं हो सकती। कहीं नुमान भाई का खदशा दुरुस्त तो नहीं? नुमान, मैंने उमर से बात कर ली। तो फिर क्या कहा उमर ने? उसे तो कोई एतराज नहीं है तुम्हारी शादी पर। वाकई? हाँ, मैं तो अब कहती हूँ कि बस तुम अपना ज़हन बनाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ। भाभी इतनी जल्दी भी क्या है, ढूंढ लीजिएगा। लेकिन हाँ, मुझे उमर के ख्यालात जानकर हौसला हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि एक मरतबा खुद भी उमर से बात कर लूँ। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो क्या जरूरत थी मुझे उमर से बात करवाने की? नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज बुरा ना मानिए, मैं तो बस। अच्छा अब रहने दो, तुम्हें उमर से बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने कर ली है ना, वो काफी है। चलें ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको ठीक है। बहुत ही बुरे फंस गए। अरे अब तो अंदर की खबर भी नहीं ला सकेगी। पता है मुझे, अब तो वो कुछ भी बताने वाली नहीं है। मुझे बताने वाली? जी तुम्हें आसपास भटकने भी नहीं देंगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। ये तो हमारी चाल हमारी गले पड़ गई। उस मलका को देखो, कंगन वापस करके वो तो बेग साहब के सामने अच्छी हो गई और तू गंदी हो गई। अरे अब तो सारे घरवाले तुझे नापसंद करने लगे। पता है मुझे ये भी। क्या होगा, तू कैसे खबर लाएगी इन दोनों की? पता नहीं दोनों माँ बेटियां क्या खिचड़ी पका रही होंगी। शुक्र है अम्मा, आज तुझे बहू की याद तो आ गई। अरे फालतू बातें मत कर, ये बता तेरी नजर में कोई लड़की है? लड़की? लड़की का क्या करेगी अम्मा, काम कराने के लिए चाहिए। तुम्हारे घर में इतनी तो मुलाजमाएं, लड़की का क्या करना है? अरे पागल, काम काज के लिए नहीं, मुझे तो नुमान के लिए लड़की चाहिए। नुमान के लिए? अम्मा मैं समझी नहीं। अरे बेवकूफ, नुमान की शादी करनी है, उसके लिए लड़की चाहिए। अच्छा, नुमान शादी कर रहा है? हाँ तो और क्या। अरे तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, है? भरी जवानी में अगर बीवी उसे छोड़ के चली गई है तो क्या वो सारी जिंदगी अकेले काटेगा? अम्मा अकेला थोड़ी है, अच्छा भला बेटा है उसका। अरे बेटा है तो क्या हुआ, बहुत से लोग इसी उम्र में तो शादी करते। अच्छा मम, देख लेती हूँ कोई लड़की मैं। हाँ कोई अच्छी लड़की नजर आए तो फौरन हमें फोन कर देना, हम रिश्ता लेके आ जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ अम्मा, तू फिक्र ही ना कर, मैं देखती हूँ कोई लड़की। चलो खुदा हाफिज। मतलब पड़ा तो याद आ गई रानी की। कुछ पूछना चाह रही हो? जी वो, जी मैं ये बस पूछना चाह रही थी, बेग साहब ये मकान किसके नाम पर है? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? अरे ऐसे ही, वो
हाँ, पड़ोसन पूछ रही थी मुझसे। पड़ोसन से कहो अपने काम से काम रखे। आप तो खामी खा नाराज हो रहे हैं। वो आपको तो पता है कि औरतों की आदत होती है कि दूसरों के मामलात में टो लगाएं। ये तो खैर ठीक है। हो सकता है वो ये जानना चाहती हो कि मुझे घर के मामलात की कितनी खबर है। हम जहाँ जगह जाके बातें बनाएगी कि सुल्ताना को तो इन लोगों ने बस तरस खा के कबूल किया है, दिल से कबूल नहीं किया, वरना तो उसे घर के सारे मामलात की खबर होती। लेकिन बेग साहब, मुझे घरेलू मामलात पता तो होने चाहिए। हाँ हाँ, पता होना चाहिए तुम्हें। अब पूछे तो उसे बता देना कि मकान मेरे नाम है। आपके नाम? लेकिन मुझे तो मलका ने बताया कि ये मकान फुरकान के नाम पर है। हाँ, वो पावर ऑफ अटॉर्नी है फुरकान के नाम। ओ भाई सुल्ताना, असल बात तो ये है कि मेरा जो कुछ भी है मेरे बच्चों का ही है ना। अब अगर सलमान और फुरकान मुल्क से बाहर न चले गए होते और बेचारी खदीजा का इंतकाल ना हो गया होता तो मैं तो इस्लामाबाद चला गया होता। जी। जुल्फी, मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि अम्मा ने इतना अहम काम मुझे सौंप कैसे दिया। हाँ? इसमें हैरान और परेशान होने वाली कौन सी बात है? सौंप दिया तो सौंप दिया। क्यों क्यों हैरान परेशान ना हूँ? आज तक तो तुम्हारी माँ बहनों ने मुझे कभी किसी काबिल समझा नहीं, मुझे कभी इज्जत नहीं दी, और फिर ये आज इतनी मोतबर अचानक मैं कैसे हो गई? कोई चक्कर जरूर है। रानी, तेरा मसला मुझे समझ में ही नहीं आया आज तक। अबे तुझे इज्जत दो तो ना खुश, इज्जत नहीं दो तो ना खुश। तू चाहती क्या है? जुल्फी, मैं खुश होती, बहुत होती, जी भर के होती अगर मैं तुम्हारी माँ बहनों को जानती ना होती। इतने अहम काम के लिए मुझे याद करना, हजम नहीं हो रहा मुझसे। कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अबे बात सुन, जिस तरह तू उन्हें जानती है ना बहुत अच्छी तरीके से, इसी तरह वो भी तुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। इसीलिए कोई काम तुझसे कहती नहीं है और तू बस सिर्फ उन पे शक करती रहना हर वक्त। अबे दो मिनट के लिए घर में क्या आ जाओ, दिमाग की दही कर देती है तू, पागल कर देती है अच्छे भले आदमी को। इससे बेहतर है कि आदमी नुक्कड़ में बैठा रहे ताकि कम अज कम आते जाते लोगों को देख ले। तेरी किलकिल ने आजाद कर दिया मुझे, जा रहा हूं मैं। दिमाग है कहाँ तुम्हारे पास? अच्छी बात है, नुक्कड़ पे बैठे रहा करो, भीख मांगा करो वहां पे। मेरे पास किस लिए आते हो? पैसे मांगने के लिए? नकम्मा, बातें करता है बड़ी बड़ी। अरे क्या हो गया अम्मा तुम्हें? क्या जरूरत थी रानी से बात करने की? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतनी सी बात पे नाराज हो गई है? अम्मा, कभी कभी तुम इतनी बेवकूफी की बातें करती हो और बनती बहुत चलाको। अभी इसमें बेवकूफी की क्या बात है भाई? मैंने तो सोचा था कि हमारी मदद हो जाएगी लड़की ढूंढने में। रुमान की शादी नहीं करनी जल्दी से? मैं तुम्हारे सदके जाऊं, वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं तुम पे। रानी ने कभी हमारे भले की बात सोची है? कभी की है जो अब करेगी? अरे वो तो अपने जैसी ढूंढ के लाएगी जो हमारा जीना हराम कर देगी। और तुम्हें क्या लगता है अम्मा, वो जो लड़की ढूंढ के लाएगी वो किसकी एहसानमंद होगी, तुम्हारी के मेरी? रानी के एहसानमंद होगी ना, उसकी बात मानेगी। और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे सामने सर ना उठा सके। कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। लो बना, इतनी सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। तुम्हें 10 बार मना किया था लेकिन फिर भी तुम भूल जाती हो। खैर अब है एक तरकीब मेरे जहन में। वो क्या? नहीं तुम्हें नहीं बताना, मैंने सारा काम खराब कर देती हो तुम। थोड़े से बादामी मंगा दे ताकि मेरा दिमाग चले।
क्या बात है, हर वक्त काम में लगी रहती हो। तुम्हारे पास दो घड़ी भी टाइम नहीं है कि हमारे साथ बैठ के बात ही कर लो। बड़ी मोहब्बत टपक रही, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? है ख्वाब क्यों, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्या? इससे पहले तो कभी नहीं की, ये आज ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? अरे भाई, जरूरी तो नहीं है कि जो काम अभी नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। अरे काम का क्या है, वो कभी ना कभी तो हो सकता है ना। हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। ए भी, क्या हो गया है तुम्हें? ये बाल कहीं धूप में तो सफेद नहीं कराई? मोहब्बत के लिए जरूरी तो नहीं है कि कोई वजह हो। मेरे बाल तो सफेद नहीं है, शायद आपके नजरों की कमजोरी है, बुढ़ापे की वजह होगी। भी तुम तो बुराई मान गई मेरी बात का, मैंने तो एक मिसाल दी थी तुम्हें। बात अगर बुरी कहेंगी तो बुरा ही लगेगा। चलो अब कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। अल्लाह खैर करे, आज तो बहुत ख्याल कर रही हैं आप। ये वही ख्याल तो नहीं है जो कुर्बानी से पहले जानवरों के लिए किया जाता है? अरे सुल्ताना क्या हो गया तुम्हें, हैं क्या सोचने लग गई फजूल फजूल? अरे भाई देखो, तुम इस घर की मालकन हो, तुमसे तो बना के रखनी पड़ेगी ना। भाई कहीं नाराज होकर हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ नहीं तो ये बात है। चंदा बेगम, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती थी ना, बहुत अकलमंद, इसलिए तुमने लाके अपनी इस खाला को मेरे सामने खड़ा किया था। लेकिन तुम ये बात भूल गई कि मैं तो फिर इस घर की अपनी हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी बच्ची है, 10 रिश्ते हैं, इतना पुराना साथ है, मुझे तो ना चाहते हुए भी इस घर का ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी वो जो मकार खाला है ना, वो हमारी अपनी नहीं है, वो एक दिन सब कुछ अपने नाम करवा के ना यहाँ से चलती बनेगी, ये याद रखना मेरी बात। क्या फजूल बातें कर रही हैं आप, ये कौन डालता है आपके दिमाग में ये बातें? अरे कौन डालेगा, सच है ना, सच अपने आप को मनवा के रहता है, हकीकत नहीं बदलती। आपके इस दावे की क्या हकीकत है? हकीकत तो बहुत बड़ी है, अगर कोई मानने वाला और सुनने वाला हो तो। मसलन लो, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि ये घर अभी तक अब्बा जी के नाम है। अरे फुरकान के पास तो सिर्फ वो क्या होता है, पावर अटर्नी, वो है। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा ये चीजें क्या होती हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे भी पता है कि ये कभी भी कैंसिल हो सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। मैं ये सारी बातें नहीं सोचती, आप सोचती होंगी। अरे मैं कहाँ सोच सकती हूँ, काश मैं भी तुम लोगों की तरह पढ़ी लिखी होती। अरे मुझे तो इन बातों का पता भी नहीं है, वो तुम्हारी नई सास है ना, वो करती है इस तरह की बातें। अरे हर वक्त तो वो अब्बा जी के करीब होती है, उनके आगे पीछे फिरती रहती है, वो ही उगलवाती है ये सारी बातें, उसी ने की हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है मलका भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक कह रही हूँ, मुझे गलत फहमी हुई है और मैं ही झूठ बोलती हूँ। चलो मैं झूठ बोलती हूँ, अब्बा जी तो झूठ नहीं बोलते ना, जाओ पूछ लो उनसे। ठीक है, मैं अब्बा जी से पूछती हूँ। तो ये बात है, दोनों माँ बेटी नुमान की शादी इसलिए कराना चाहती हैं कि उन्हें सपोर्ट की जरूरत है घर में। मेरे खिलाफ महाज खोलने के लिए उन्हें एक हथियार की जरूरत है। लगता है दोनों डर गई हैं आपसे। डरी तो गई हैं,
तभी तो मदद के लिए इधर उधर भाग रही है। वो वक्ती तौर पर बुखलाई जरूर होंगी। इतना हल्का ना ले आप मलका आपा को, बहुत मकार हैं वो, आप नहीं जानती। वैसे तो उसकी माँ भी कुछ कम नहीं है। वो अपनी माँ से भी चार हाथ आगे हैं। वो अपनी माँ को किसी खातिर में नहीं लाती, तो आप उनके आगे क्या चीज है। यकीनन वो किसी बड़े महाज के लिए उस घर में अपने लिए हमायती ला रही हैं। अंदाजा है मुझे अच्छी तरह। तो आपको भी उनके तोड़ के लिए कोई बड़ा काम करना होगा। यही तो सोच रही हूँ, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो मलका के सारे मंसूबों को ढेर कर दे। आप ऐसा क्यों नहीं करती, नुमान के लिए लड़की खुद तलाश कर ले, वो आपके काबू में रहेगी। और चंदा तो है ही आपके काबू में, फिर देखिएगा मलका आपा कहां जाती है। अब्बा जी। जी बेटा। एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। वो मुझे बस ये पूछना था कि ये घर आपके नाम है ना, और खाली पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ फरकान भाई के नाम पे है, ऐसा ही है ना। हाँ बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। बस वैसे ही। हैरत, पता नहीं सब लोगों को इस बात की फिक्र क्यों होगी कि मकान किसके नाम है। भाई किसी के नाम भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे अलावा किसने पूछा आपसे। भाई सुल्ताना पूछ रही थी, अब तुम पूछ रही हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसे? नहीं नहीं अब्बा जी, आप परेशान मत हो, मैं तो वैसे ही पूछने आई थी, बस ऐसे ही। रानी, 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 अरे आज तो बहुत अच्छी लग रही हो तुम। काम की बात बताओ। वो ना, मैं कुछ पैसे मिल जाएंगे। चलो अभी 500 रुपए। अबे रानी तुम कितनी दयालु हो गई है ना, कितनी दयालु हो गई है। ज्यादा खुश ना हो, अगर ऐसे ही मेरे साथ ठीक ठीक रहोगे ना, मेरा कहना मानोगे, तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही मजे से गुजरती रहेगी और ऐसे ही कड़कते कड़कते नोट तुम्हें मिलते रहेंगे। कहना मानते रहेंगे, गोद लिया है मुझे तूने क्या। मेरा मतलब है मुझे और कहाँ जाना है रानी बेगम, तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारनी है। अब तो जीना और मरना सिर्फ रानी तुम्हारे साथ ही है मेरा। अब दफा जा। कुछ मंगवाना तो नहीं और? नहीं। जियो आपा की सासू जी, जियो। सरा सी खबर इधर उधर करने से इतने ढेरों रुपए। वाह भाई वाह, ऐश कर रानी ऐश। कोशिश करना रानी, इन दोनों का झगड़ा यूं ही चलता रहे, वरना जिस दिन ये झगड़ा खत्म, उस दिन तेरे ऐश भी खत्म। तू तो भी इनकी खबर नहीं ला सकती ना, लेकिन मैंने भी इंतजाम कर लिया है अपने खबरी का। अरे वाह, मुझे पता था बीबी जी कि आप कोई ना कोई राह जरूर निकाल लेंगी। मुझे पता चल गया कि वो दोनों क्या सोच रही, लेकिन मैंने भी इसका तोड़ सोच लिया है। अरे वाह जी। अच्छा ये बता, कोई लड़की है तेरी नजर में नुमान के लिए। आप नमान साहब की शादी करवाएंगी। इससे पहले कि
ये दोनों माँ बेटी उसकी शादी करा दें, मैं खुद नुमान की शादी करा दूंगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस तरह नुमान साहब की बीवी आपके कहने पर ही चलेंगी। मैंने भी यही सोच रखा है। अब तुम देखना इन माँ बेटी के साथ में करती क्या। इससे पहले कि ये दोनों माँ बेटी उसकी शादी करा दें, मैं खुद नुमान की शादी करा दूंगी। अब तुम देखना इन माँ बेटी के साथ में करती क्या। रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।